बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल एट्सेट्रा, जो कि नेसेसरी हैं उनके सर्वाइवल के लिए। जबकि प्लांट्स इन एडिशन टू दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, और ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनका कोई अपेरेंट फंक्शंस जो है वो नहीं है। और मेटाबोलाइट्स बनते हैं या कंपाउंड्स जो है दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दिस होल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये डिफरेंट स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए। और सारे ही प्लांट्स हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूस करें, तो अ फ्यू स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं और इनके स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं। सम टाइम्स दे आर मेंट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स, ताकि पॉलिनेशन को पॉसिबल बनाया जा सके। सम टाइम्स एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और एनिमल्स को जब अट्रैक्ट करते हैं ताकि एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम करें इनके फ्रूट्स, और फ्रूट्स में जो सीड्स हैं जो कि हैं इनडाइजेस्टेबल, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें उन सीड्स को अपने फीसिस के साथ कहीं और। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ प्लांट्स में ये डिफेंस देते हैं उन पौधों को कि ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स के तौर पर एक्ट करते हैं और कम्बैट करते हैं टू द हर्बीवोर्स एंड पैथोजेंस। अब हर्बीवोर्स और पैथोजेंस जो हैं वो पौधों पर अटैक करते हैं, बड़ा इजी है उनके लिए पौधों को अटैक करना, या पौधे जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मीन है फूड मटेरियल के सोर्स के तौर पर एनिमल्स के लिए। उसकी एक वजह तो ये कि इनमें प्रोटीन कंटेंट्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट वन बात कि प्लांट्स जो हैं दे कांट रन अवे, वो दौड़ के दूर नहीं जा सकते, तो ईजी टारगेट हैं फिर ये इंसेक्ट्स के लिए, स्नेल्स के लिए, रूडेंट्स के लिए। तो प्लांट्स ने भी इन सारी हर्बीवोरी से बचने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजीज जो हैं वो इवॉल्व कर ली हैं। तो वो स्पेशल स्ट्रेटजीज जो हैं वो कुछ तो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिफेंस के नाम पर, ताकि एनिमल्स जो हैं वो पौधों को, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को बचा सकें कि एनिमल उन्हें खाएं ना, और या कम अज़ कम वो उन्हें इनडाइजेस्टेबल बना लें या पॉइजनस बना लें ताकि एनिमल अवॉइड करें उन पर हर्बीवोरी करने से। कुछ तो प्लांट्स हैं तो प्लांट्स या तो कभी टॉक्सिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर, जैसे एमिलेज इनहिबिटर हैं या प्रोटीनेज इनहिबिटर और लेक्टिन्स, और समटाइम्स दे इम्पेयर द डाइजेशन ऑफ द हर्बीवोर्स। जैसे हमारी एक एग्जाम्पल हैं कि मेज प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीएज प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है कैटरपिलर की इंटेस्टाइन को, जिस वजह से वो इसे फीड नहीं कर पाते। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट प्लांट डिफेंसेस। प्लांट्स में दो तरह का डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूटिव एंड अदर वन इज़ इंड्यूस्ड। कॉन्स्टिट्यूटिव मैकेनिज्म या कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस ऐसा डिफेंस है जो प्लांट्स के जीन्स में प्रेजेंट है, जो उनका परमानेंट आउटफिट है प्लांट का, ऑलरेडी बिल्ट इन है। जबकि इंड्यूस्ड ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स आफ्टर द हर्बीवोरी कोई केमिकल सिंथेसाइज कर लें टू अवॉइड द अटैक ऑफ द पैथोजेंस और हर्बीवोर्स। तो माइक्रोब्स जो प्लांट्स पर अटैक करते हैं दे कैन बी पैथोजेनिक। पैथोजेंस मीन्स डिजीज काजिंग एजेंट्स। तो ये फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। और ये जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एज एग्रेसिव सब्सटेंसेस। ये अग्रेसिव सब्सटेंसेस जो हैं ये हो सकते हैं एंजाइम्स, और ऐसे एंजाइम्स स्पेशली जो कि सेल वॉल्स को ब्रेक कर देते हैं, सच एज सेल्यूलेसिस जिनमें मौजूद होते हैं और पेक्टिनेसिस, या समटाइम्स ये होते हैं टॉक्सिन्स जो प्लांट को डैमेज करते हैं बाय इंटरफेयरिंग द प्लांट मेटाबॉलिज्म इन वेरियस वेज। अब हम ज़रा सी जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं प्लांट्स की, और
माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स जो हैं उनके पास अटैक करने के लिए जो जीन हैं दे आर कॉल्ड एज विरुलेंस जीन, जबकि पौधों के पास जो जीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस जीन, जिससे वो अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो एक अटैक जो है वो सक्सेसफुल होगा या एक डिफेंस सक्सेसफुल होगा ये डिसाइड करता है इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ जीन्स, विरुलेंस और रेजिस्टेंस जीन्स जो हैं उनका इंट्रैक्शन डिसाइड करता है कि जो डिफेंस है वो सक्सेसफुल होगा या अटैक सक्सेसफुल होगा। तो फिर ये इंट्रैक्शन जो है वो है दो तरह का, एक कंपैटिबल और एक नॉन कंपैटिबल। कंपैटिबल इंट्रैक्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें विरुलेंट जीन जो हैं या पैथोजेंस जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं और प्लांट्स के जीन्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाते। तो जब विरुलेंस जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, पैथोजेंस जो हैं वो एग्रेसिव केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये केमिकल्स जो हैं फिर लीड करते हैं कि प्लांट जो है वो डिजीज़ हो जाए या इन्फेक्शन काज करते हैं प्लांट्स को। वाइल ऐसी कंडीशन के प्लांट जो है वो अपने डिफेंस जीन्स को एक्टिवेट कर ले और ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर ले जिसके नतीजे में जो अटैक है वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो अगर डिफेंस जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं प्लांट्स के तो ऐसी कंडीशन कहलाती है नॉन कंपैटिबल इंट्रैक्शन, और या तो पैथोजेंस जो हैं वो मर जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ इतनी कम हो जाती है कि वो अटैक को सक्सेसफुल नहीं बना पाते या प्लांट में डिजीज़ काज नहीं कर सकते। इसी लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन में अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, वो जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए हर्बीवोरी से या मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ काजिंग एजेंट से। तो प्लांट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, समटाइम्स वो स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, समटाइम्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर। ये तो है उनका केमिकल डिफेंस। यहाँ पर हम उनके मॉर्फोलॉजिकल या फिज़िकल जो डिफेंस हैं जैसे थॉर्न प्रोड्यूस कर लेते हैं वगैरह वगैरह वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स तो हैं जो प्रोड्यूस कर लेते हैं स्पेशल प्रोटीन्स अपने सीड्स के अंदर ताकि हर्बीवोर्स जो हैं वो उन्हें खा ना सकें, और ये एडिशनल जो प्रोटीन्स हैं दीज आर स्टोर्ड इन द प्रोटीन बॉडीज़ इन द सीड्स, जिसकी एक एग्जांपल जो है वो एमिलेज इनहिबिटर है। एमिलेज इनहिबिटर जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को या ब्रेकडाउन को ये इनहिबिट कर देते हैं इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एनिमल। तो एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्चेस जो हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक और प्रोटीन जो यूजुअली बीन्स अपने सीड्स में प्रोड्यूस कर लेते हैं वो है प्रोटीनेज इनहिबिटर्स। ये प्रोटीनेज इनहिबिटर्स जो हैं ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ब्लॉक कर देते हैं डाइजेशन, जो ब्लॉक कर देते हैं ओरिजिनली प्रोटीनेजेस को। तो प्रोटीनेजेस जाहिर है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स। तो सीड में मौजूद प्रोटीन्स जो हैं वो फिर इस प्रोटीनेज इनहिबिटर की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इनहिबिट हो जाती है उनकी डाइजेशन, तो एक और स्पेशल काइंड की प्रोटीन जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं स्पेशली बीन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द लैक्टीन्स। लैक्टीन्स जो हैं ये बाइंड करती हैं शुगर रेजिड्यूज़ के साथ, उन शुगर रेजिड्यूज़ के साथ या उन शुगर यूनिट्स के साथ जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में या वो बाइंड हैं विद इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स तो ज़्यादातर सेलुलर मेम्ब्रेन्स में होते हैं, तो वहाँ पर ये जाके लैक्टिन्स जो हैं वो बाइंड कर देती हैं। तो जब ऐसे एनिमल्स इन सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो लैक्टिन्स जो बाइंड करते हैं इनके ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इंटेस्टाइन में स्पेशली, तो इंटरफेयर करते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, जिस वजह से ऐसे एनिमल्स के लिए प्रोटीन और ऐसे बीन्स जो हैं वो अनडाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो ये बीन्स में, लेंटल्स में, पीज में, सोयाबीन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो लैक्टिन्स और प्रोटीनेज इनहिबिटर्स दोनों जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट हैं बीन्स में, लेंटल, पीज़,
सोयाबीन, पीनट्स एट्सेट्रा। अब बीन्स जो हैं वो एक अच्छा फूड मटेरियल हैं इन इंसानों की कंसप्शन के लिए, क्योंकि उनमें लैक्टिन्स और प्रोटीनेज इनहिबिटर्स मौजूद हैं। तो इंसानों में चूँकि हम खाने को कुक कर लेते हैं, तो कुकिंग के दौरान में ये प्रोटीन्स हो जाती हैं डीनेचर। तो डीनेचरेशन होने के बाद ये इस काबिल नहीं रहती कि इंटरफेयर कर सके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो फिर कुकिंग हमारे लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन बीन्स को एक फूड सोर्स बना देती है हमारे लिए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन जिसका नाम है रेसिन, जो प्रोड्यूस होता है कास्टर बीन्स में और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। तो अगर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसे खा लें तो डेथ काज कर देता है इसके फ्यू मिलीग्राम्स जो हैं रिसिन के। और ये प्रेजेंट होता है रिसिनस कम्यूनिस कास्टर बीन जिसे कहते हैं उसके सीड्स में। एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड विसिलिन, जो कि डिफेंस फंक्शन में प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इंटरफेयर करता है कैटन मैट्रिक्स के साथ है, उसकी फॉर्मेशन के साथ, स्पेशली इन फंजाई एंड इंसेक्ट्स। तो फंजाई की डेवलपमेंट में और इंसेक्ट के लार्वे की डेवलपमेंट में ये इंटरफेयर करता है, जिस वजह से वो डेवलप नहीं हो पाते तो डेथ काज हो जाती है इंसेक्ट लार्वे की इस विसिलिन की वजह से। एक और लेक्टिन के टाइप फाइटोहीमोएग्लुटिनिन है, जो कि रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे के साथ क्लम्प टुगेदर कर देती है, तो क्लॉट्स बना देती है, जिस वजह से यह काज कर सकती है नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमिक अपसेट एंड डायरिया। तो प्लांट्स जो हैं फाइटोहीमोग्लुटिनिन नामी लेक्टिन प्रोड्यूस करके भी अपने आप को डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। तो इस लेक्चर में हमने ये थोड़े डिस्कस किए केमिकल कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स टू डिफेंड देम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्केलॉइड्स।